Okay, so hi Ankit, how are you? I'm fine, ma'am. What about you? I'm doing good. So Ankit, I call you to know your feedback with NG Networks. How's your overall feedback? Overall feedback is it's like fantastic. मतलब I can give 5 out of 5 to Five. स्क्रैच से लेके प्लेसमेंट तक के लिए. जब से ओके ज्वाइन किया था तब से प्लेस नहीं मिली. नेटवर्क्स के बारे में किस तरीके से पता लगा? मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रेफर किया था क्योंकि वो यहाँ के एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं, एनजीईटी के एक्स कैंडिडेट थे. तो उन्होंने मुझे रेफर कहा कि क्वालिटी एजुकेशन है यहाँ पे, ट्रेनिंग क्वालिटी ट्रेनिंग है विथ 100% प्लेसमेंट है रिकॉर्ड से. और मेरे तो उनकी प्लेसमेंट भी भी हमारे प्लेस हो चुके. एग्जैक्टली, हाँ वो भी प्लेस हुए थे यहीं से. ओके So, what do you want to share about the NDS program? आप किस तरीके से differentiate कर सकते हो जितने भी certification based training होती है like CCNA, CCNP, आपने सुना होगा, आप उन courses को NDS program से किस तरीके से differentiate कर सकते हैं? एनडीएस प्रोग्राम इज लाइक एक प्रोसेस है जिसमें ट्रेनिंग भी होती है विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. और इसमें क्या रहता है कि मेन पार्ट है एनडीएस का, आप रियल टाइम आप ट्रेनिंग ले सकते हो रियल टाइम. जैसे कि कंपनीज में जो नेटवर्क चल रहा है उसमें क्या इश्यूज आते हैं, क्या फिर हम कैसे हम उसको ट्रबल शूट करते हैं, तो वो रियल टाइम हमें यहाँ पे बताया जाता है. सेम वही सिनेरियो क्रिएट करके. बट अदर पार्ट, आप अगर जस्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं सीसीएनए की या सीसीएनपी की किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो जस्ट वो थ्योरी और प्रैक्टिकल कराएंगे, देन उसके बाद आपको एग्जाम देना होगा. अगर वो तो फिर प्रोसेस अलग ही रहता है. एनडीएस में उससे थोड़ा आगे बढ़ के है. उसमें एनडीएस में आपको रियल टाइम भी करवाया जाता है, तो ये रहता है. बाकी एनजीआईटी ज्वाइन करने से पहले मैं खुद सीसीएनए सर्टिफाइड था, बट उसमें मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था लाइफ सिनेरियोस का. तो जो आज मैं फेस कर रहा हूँ चैलेंजेस, वो मैं ऑलरेडी रियल टाइम में मैं कर चुका था. जो आज मैं वर्किंग हूँ, तो आज जो मेरे सामने सिनेरियो आता है ऐसे मैं कर चुका हूँ उनसे काम. तो मुझे बहुत इजी हो जाता है बहुत, क्योंकि मैंने पहले हैंडसन कर लिया है इनसे. और आप रियल टाइम ट्रेनिंग, आपको रियल टाइम ट्रेनिंग ने किस तरीके से हेल्प की है रियल टाइम इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए? रियल टाइम ट्रेनिंग मेरे अकॉर्डिंग अगर आप नेटवर्क में जाते हैं तो बहुत जरूरी है. क्योंकि आप अगर आप जैसे नेटवर्क बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको नहीं आता रियल टाइम में सिनेरियोज में कैसा रहता है. तो यहाँ पे एनजीआईटी में मुझे प्रिपेयर किया गया कि रियल टाइम में आपके सामने क्या सिनेरियोज आ सकते हैं. सपोज लाइक कोई एग्जाम्पल है, कोई नेटवर्क डाउन है तो उसको हम कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं. कैसे सबसे पहले होता है कि डायग्नोस करने में, कि पहले फाइंड आउट करना कि क्या इशू क्या है, उसको बाद में डायग्नोस करेंगे, बाद में हम उसको ट्रबल शूट करेंगे. तो रियल टाइम में कंप्लीट बताया गया है. हर मोस्टली जो हमारे पास इश्यूज आज आते हैं तो वो ऑलरेडी बताया जाता है रियल टाइम में, पहले से प्रिपेयर किया जाता है उसके लिए, ताकि कंपनीज में आगे प्लेस होने के बाद में सर्वाइवल में कोई इशू ना आए. सॉरी, And who was your trainer? Who was your trainer? ठीक ना, धर्मेश सर. धर्मेश सर, ओके, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट हिम? काफी अच्छे से उन्होंने समझाते थे वो हमें. उन्होंने इवन उन्होंने नोट्स भी शेयर करे, अपने खुद हैंडमेड नोट्स भी शेयर करे, और वो अच्छे से उनसे ही पढ़ाते थे. तो उन नोट्स मैं जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हुआ था, मैंने खुद उन्हीं नोट से स्टडी किया था, उन्हीं नोट से प्रिपेयर होके गया था मैं भी इंटरव्यू करने. तो काफी हेल्पफुल थे वो भी और उनके नोट्स भी. और भी ट्रेनर थे ऐसे, मैं धर्मेश सर के लिए नहीं बोलूंगा, विकास सर भी थे और अंशुल मैम ने भी काफी सपोर्ट करा. उन्होंने भी कभी भी कोई भी इशू आता था तो मैं विकास सर से भी कंफर्म करता था कुछ इशू से रिलेटेड, और अंशुल मैम ने भी काफी सपोर्ट करा है मुझे. इवन नितिन सर से भी मैंने ट्रेनिंग ली है, नितिन सर ने भी मुझे पढ़ाया. What do you want to say about Nitin sir? उनकी गाइडेंस आपको किस तरीके से हेल्प कर रही है अभी काम करने के लिए, और कितना हेल्पफुल रहा उनकी गाइडेंस से आपको अभी काम करने के लिए? नितिन सर के लिए मैं बोलूंगा कि अगर आप एनजीआईटी ज्वाइन करते हो ना, तो नितिन सर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. जैसे लाइक बच्चे को ट्रेनिंग से लेके प्लेस करने तक डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर
अब मुझे नितिन सर से बात करना है तो मुझे किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी या पहले इस प्रोसेस को गए? अगर मुझे नितिन सर से बात करना है तो डायरेक्टली मैं उनसे जाके बात कर सकता हूँ, कुछ भी इशू हो मेरे मुझे, चाहे ट्रेनिंग से रिलेटेड, रियल टाइम से या प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो नितिन सर वॉज ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प मी। प्लेसमेंट होने की बात, कभी ऐसा कोई टाइम तो नहीं आया कि आपने कभी कॉल लगाया हो यहाँ पर या आपको कोई असिस्टेंस चाहिए हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग और यहाँ से कोई रिस्पांस ना मिला हो आपको? नहीं, ऐसा तो कोई इशू नहीं आया मुझे कोई भी ऐसा। इवन मैं प्लेसमेंट के बाद में मैं एक दो बार मैंने विजिट भी किया, क्योंकि थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है ऑफिस का, क्योंकि इवनिंग और नाइट शिफ्ट थी तो इस करके थोड़ा मेरा शेड्यूल भी हेक्टिक हुआ, बट मैं वीकेंड पर अपने आया भी था, मैं वहाँ पे मिला भी था मैं ट्रेनर्स से अपने, और बाकी मुझे ऐसा कोई इशू आया नहीं ट्रेनिंग के बाद में, सीरियसली मुझे कोई आया भी नहीं। ओके, एंड हाउ मच यू विल रिकमेंड द कैंडिडेट्स टू जॉइन एनजी नेटवर्क्स? डेफिनेटली जो जो कैंडिडेट अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं नेटवर्किंग में, जो अगर अपना करियर सेटअप करना चाहते हैं, वो कोई भी किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे अदर देन नेटवर्किंग, अगर उन्हें बीटेक भी नहीं कर रखा है तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर वो एनजीआईटी ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली दे विल बिकम अ गुड इंजीनियर इन नेटवर्क्स। तो वो एनजीआईटी आए और ज्वाइन करें एनजीआईटी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ में मेन जो फीचर है ये है कि ट्रेनिंग तो आप कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे क्वालिटी ट्रेनिंग के साथ में रियल टाइम सिनेरियो जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी यहाँ पे करवाया जाता है। तो इसलिए मैं डेफिनेटली रेफर करूंगा अपने किसी भी फ्रेंड को या किसी भी जो भी व्यूअर है जो भी देखेगा, तो उसमें डेफिनेटली रेफर करूंगा यहाँ पे। ओके, वेयर आर यू वर्किंग ऑन? वेयर आर यू वर्किंग विद एनटीटी डेटा एंड व्हाट्स योर पैकेज? पैकेज 6 प्लस। ओके, ग्रेट, सो थैंक यू सो मच अंकित for your valuable time.